या गाइस, अगर आप अपना टू व्हीलर सोच रहे हो कि ट्रांसपोर्ट करवाना है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, या फिर आपका कोई फ्रेंड है या फैमिली मेंबर है जिसको टू व्हीलर ट्रांसपोर्ट करवाना है, सो आई थिंक दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू इन मेनी वेज। क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है जब मैं यू नो टू व्हीलर ट्रांसपोर्ट करवा रहा हूँ, मैंने इसके पहले भी करवाया है और काफ़ी कुछ चीज़ें मुझे पता चली है और इस बार मेरा नुकसान एक्चुअली में हुआ है, तो मैं नहीं चाहता कि यू नो आप लोग के साथ भी वो चीज़ सेम चीज़ हो। और जो सफ़र मैंने किया है इतने दिनों तक, और इवन मुझे था कि मेरा बाइक नहीं भी मिलेगा या फिर चोरी हो गया है क्या हो गया है, तो आप लोग को उसके थ्रू नहीं गुजरना पड़े, तो कैसे बचा जाए ऐसे सिनारियो से, फॉर दैट आई थिंक दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। तो कल मैं एक्चुअली ये बाइक रिसीव करने गया था, तो मेरे इस पूरे एक्सपीरियंस से, बिकॉज आई ऑलवेज हैव टोल्ड यू और नो दिस चैनल इज ऑलवेज अबाउट माई गुड एंड बैड एक्सपीरियंसेस जो मैं शेयर करता हूँ आप लोगों से, एंड समहाउ आई थिंक कि वो आपको हेल्पफुल हो, चाहे वो टेस्ट राइड्स हो या मेरे पर्सनल व्हीकल के परचेज के बाद का एक्सपीरियंस हो या फिर मेरा डेली कोई भी चीज़ को लेके एक्सपीरियंस हो। सो दिस इज समथिंग डिफरेंट, नॉट रिलेटेड टू बाइक रिव्यूज, नॉट रिलेटेड टू यू नो टेस्ट राइड्स, बट दिस इज मोर अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस। सो आई थिंक कुछ लोग मे भी चैनल पर नए आए होंगे इस वीडियो के थ्रू, सो इफ यू आर न्यू हेयर, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब करने को नहीं बोलूंगा बट ये चीज़ बोलूंगा कि आई एम नॉट लाइक दी अदर इन्फ्लुएंसर्स एंड अदर बाइक रिव्यूअर्स, आई जस्ट शेयर विद व्हाटसोएवर कॉमन सेंस एंड एक्सपीरियंस आई हैव रिलेटेड टू मोटरसाइकिलिंग एंड बिट ऑफ अ लाइफ। सो या सो मैंने इस बाइक को डिसाइड किया था कि मैं बैंगलोर से अहमदाबाद शिफ्ट करूंगा, और मेरा ये फर्स्ट टाइम नहीं है, मैंने इसके पहले भी पूरा हाउस शिफ्ट किया है, फोर व्हीलर शिफ्ट किया है, टू व्हीलर दो बार शिफ्ट किया है, तो आई वाज लाइक हाँ यार तो इट्स पीस ऑफ केक, मैं आराम से कर लूंगा, तो मैंने इतना कुछ ज्यादा वो नहीं दिया, पेन और लोड नहीं दिया। मैंने जिससे करवाया था मैंने उनको कांटेक्ट किया, सो दे सेड 9000, जो बहुत प्राइस बढ़ गया था, 7 से 9 हो गया था, तो आई वाज लाइक कि दो तीन और सर्विसेज को पूछते हैं, मे बी बजट में यू नो फिट हो जाए। तो जब आप ऑनलाइन सर्च करोगे ना कोई भी सर्विस से रिलेटेड, कोई भी अपने लोकेशन में, फॉर एग्जांपल अगर मैंने किया टू व्हीलर्स लॉजिस्टिक या टू व्हीलर ट्रांसपोर्ट सर्विस इन बैंगलोर, तो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी अपना पेज यू नो वेब पेज लेके बैठी है और उसमें वो लोग इंक्वायरीज एक्वायर करते हैं, वो लीड जनरेट होती है और फिर वो जो भी लिस्टेड कार्गो मूवर्स होते हैं उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मेरा जो इंक्वायरी था वो जिस दिन मुझे करना था मैंने ऑनलाइन किया, सेम यू नो इजी शिफ्ट करके है वेबसाइट एक वहाँ बैंगलोर में, और वही मार्केटिंग कंपनी है, ऑनलाइन काम करती है, तो उन्होंने जिसको दिया तो दैट वाज अ गति एक्सप्रेस, एंड गति एक्सप्रेस सबको पता है इट्स अ वेरी बिग लॉजिस्टिक ब्रांड, तो कोई डाउट नहीं था। फोन किया, सामने वाला बंदा आया, उसने इनवॉइस दिया, उसने प्राइस मुझे बताया 6000, उस टाइम उसने मुझे बताया 4500, तो 18% GST लगा के उसने 5700 में डील डन किया। आई वाज लाइक ओके यार आई एम हैप्पी, मतलब यू नो 9000 की जगह आपका 5700 में हो रहा है। लड़का सही था, गुड़गांव साइड का था। आई वाज लाइक ओके, मैंने उसको इवनिंग तक पैसा ट्रांसफर कर दिया, उसने मुझे इनवॉइस बना के भेज दिया। उसने मुझे बोला आपकी गाड़ी 31st को चली जाएगी, बट 31st को नहीं गई, गाड़ी 2nd को गई, ठीक है। और वो जाने के पीरियड तक पैसे डालने के बाद मैंने उसको बोला स्पेसिफिकली, जो मैं हर बार बोलता हूँ, कि शेयर करना मेरे साथ एटलीस्ट ट्रैकिंग डिटेल्स, शेयर करना मुझे गाड़ी का नंबर, और इफ पॉसिबल तो ड्राइवर की डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर या फिर नाम, जो कि जब मैंने घर शिफ्ट कराया था, सामान शिफ्ट कराया था, बाइक शिफ्ट कराया, मेरे को सब मिला था। जब वो बाइक लोड करते हैं तो फोटोज खींचते हैं जस्ट फॉर द प्रूफ कि आपकी गाड़ी लोड हो गई है, किस तरीके से पूरा यू नो उन्होंने पैकिंग किया है, तो वो एक कस्टमर की तसल्ली के लिए जो करना चाहिए। उसने मेरा खून चूस लिया एक छोटा सा डिटेल शेयर करने में, 31st का बोल के उसने गाड़ी 2nd को लोड करवाई, और 3 दिन तक उसने मुझे कॉन्टैक्ट नहीं किया प्रॉपरली, डिटेल शेयर नहीं करी, मैं उसके पीछे पड़ा जैसे वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं कॉल कर रहा हूँ वो कॉल कट कर रही है, कॉल रिसीव नहीं कर रही। उसके बाद फाइनली उसने मुझे बोला कि आपकी गाड़ी शाम को हो जाएगी, और फिर उसने मुझे फाइनली रात को एक फोटो भेजा, और फोटो में पैकिंग तो ऐसा किया था कि मतलब कोई यू नो क्या बोलते हैं तरपाल जो बोलते हैं ना, लाइक शीट होती है जो वाटरप्रूफ सॉर्ट ऑफ, वही उसने लपेट के एकदम बेकार कंडीशन में पैक करी हुई थी, गाड़ी का नंबर कुछ नहीं है। तो मैंने उसको इवनिंग को जो जब मुझे मिला डिटेल कि आपकी गाड़ी 2nd को जा रही है, मतलब 2nd इवनिंग को, मैंने 2nd रात को 10 बजे अराउंड कॉल किया, बंदे का फोन स्विच ऑफ। अब आप बताओ आपके साथ अगर ये होगा तो आपको क्या
यू नो जेन्युइनली क्या फर्स्ट रिएक्शन क्या आएगा, इट्स अ नेगेटिव साइन राइट, कि भाई क्या बंदा ऑफ करके बैठा है क्या है। और उसके एक रात पहले जब 1 तारीख को जाना था, तो मैंने जब फ़ोन किया कि भाई 1 तारीख को जाना था क्यों नहीं गई, तो बोल रहा है 1 तारीख को हड़ताल चल रही है समथिंग, यू नो बैंगलोर का वैसे भी हॉलीडे था 1st को 1st नवंबर। तो आई वाज लाइक ओके चल 1st को नहीं जा रही है। बट जब उसने फ़ोन उठाया ना 1st को, वो दारू पी के टल्ली है और बोल रहा है मैं पार्टी कर रहा हूँ, मैं पार्टी में किसी का फोन नहीं उठाता, मतलब यू नो डरा रहा है धमका रहा है। और आई वाज लाइक पिया हुआ है, मैंने कट कर दिया। अगले दिन फिर उसको मैंने मैसेज किया कि अपडेट क्या है, देन उसने मुझे इवनिंग को बोला कि 2nd को जा रही है। चलो ठीक है, गाड़ी चली गई, गाड़ी भिजवा दी। अब गाड़ी भिजवाने के बाद उसने मुझे कहा कि 5 तारीख को आपको गाड़ी मिल जाएगी। तो मैंने 2nd के बाद अगेन 3rd को छोड़ के 4th को कॉन्टेक्ट किया, मैंने कॉल किया, उसने कॉल नहीं उठाया। मैंने मैसेज किया, एटलीस्ट गाड़ी का नंबर भेज, ट्रैकिंग डिटेल्स भेज, कुछ तो भेज ना। उसने मुझे गाड़ी की ट्रैकिंग डिटेल्स भेजी, ना उसने मुझे गाड़ी की फोटो भेजी, ना उसने मुझे ड्राइवर की डिटेल्स भेजी। तो इन शॉर्ट कोई डिटेल्स नहीं थी, जस्ट सिंपली एक नॉर्मल सा फोटो था जब गाड़ी लोड हुआ था, और वही एक फोटो था, उसके अलावा बस कुछ डिटेल नहीं था। 2 तारीख के बाद उसने मुझे कांटेक्ट भी नहीं किया, फ़ोन भी नहीं उठाया। फिर फाइनली थक हार के 5 तारीख को जब गाड़ी नहीं आई, तब तो मैंने उन लोगों को कॉल किया जिन्होंने मुझे उसका लीड दिया था, जिन लोगों ने मुझे यू नो उसका इन्फॉर्मेशन दिया था, और वो लोग भी इतने बेशरम थे, उन्होंने भी ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो मैंने बाद में जाके थक हार के डेट जो बोली थी उसके बाद मैंने उसको थोड़ा धमकाया, उसको कहा थोड़ा बहुत तो रिस्पॉन्सिबल बन, नहीं तो फिर मुझे अभी गाड़ी मेरी मिसिंग है, आई हैव टू गो टू पुलिस स्टेशन नियर बाय, तेरा फोटो वोटो है, आई हैव टू सबमिट ऑफ, बिकॉज और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, अगर प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर या मुझे जवाब दे। फिर समा उसने फिर भी कॉन्टैक्ट नहीं किया, जो मार्केटिंग कंपनी से जिसने मुझे उसका कॉन्टैक्ट दिया था उससे फिर मैंने उसको ऑफिस कॉल किया, समा उसने फोन उठाया ईजी शिफ्ट वाले ने, और वो मुझे बोल रहा है कि आप लड़के को परेशान कर रहे हो, ये लोग ऐसे नहीं होते, इनको आप ऐसे नहीं बोल सकते, वो आपसे 6-6 की जगह 12,000 लेता, उसने कम लिया। तो मुझे बहुत फिशी लग रहा था कि ये लोग साले सब मिले हुए हैं, यू नो पूरा सिस्टम ही कचरा है इन लोगों का, और गति बोला। तो मैंने फिर ना सच बताऊं, मैं इतना बड़ा बेवकूफ निकला, मैंने इनवॉइस चेक किया। मैंने इनवॉइस जब चेक किया, वाज लाइक क्रेजी, ना उसमें इनवॉइस नंबर है, ना उसमें जीएसटी नंबर है, कुछ नहीं है। वेबसाइट मैच कर रही है, नंबर मैच कर रहा है, इस लड़के को किसी ट्रांसपोर्ट वाले ने दिया हुआ है जिम्मा संभालने का। मेरे इस स्टोरी से कहने का मतलब ये है, अब पहली गलती ये मत करना कि बिल देते वक्त जीएसटी नंबर देखना, अगर वो 18% जीएसटी लगा रहा है। ये बहुत कॉमन सेंस है जो मैंने यूज नहीं किया। अब जीएसटी नंबर देखो और प्राइस मैच करो, पहली गलती ये आपको करनी है, चेक करना है। दूसरी चीज आपको ये करनी है कि जब कोई आदमी आपके घर पे आ रहा है गाड़ी लेने के लिए, तो आप आलस मत दिखाओ, डोंट बी ए नाइस पर्सन, डोंट बी ए जेनरस की यार विश्वास कर लिया, यू नो उसके साथ गाड़ी लेके उसके वेयर हाउस में जाओ, वहां जाके चेक करो कि भोसड़ी का सच में वो गति से है कि नहीं। क्योंकि मुझे बाद में पता चला कि ये हरामी, इसने अपने ही जेब में पैसे डाले हैं, गति से कोई गाड़ी नहीं आई, किसी लोकल बंदे को, जैसे कि आप अभी वीडियो देखोगे जो मैंने कल गाड़ी कलेक्ट करी, PCR करके कोई लोकल गाड़ी वाला है, उसको इसने गाड़ी दे दी और वहां से गाड़ी मुझे मिली है अहमदाबाद में। सो दिस वॉज नॉट डिलीवर्ड टू मी बाई गति का नाम यूज़ कर रहा है, बट इसने पैसे अपनी जेब में डाले हैं और किसी थर्ड पार्टी को कॉन्टेक्ट करके उसको 1,000 या 2,000 दे के इसने गाड़ी यहाँ पहुँचाई है, जिसमें मेरा गाड़ी का डैमेज हुआ है वो अलग। और बाद में मुझे मालूम चला कि वो फ़ोन नहीं उठा रहा, क्यों? क्योंकि उसने एक तो जो गाड़ी करी है कोरियर, वो दूसरी पार्टी से करी है, थर्ड पार्टी से की है। तो उसको कहीं ना कहीं डर था कि अब ये गाली देगा, अब ये सुनाएगा, तो मैं कॉन्टेक्ट ही नहीं करता। लास्ट और फाइनल, ये बंदा इतना हरामी निकला कि इसने मुझसे पैसे तो ले लिए, पैसे इन द सेंस कि इसने बोला कि आपके इस पैसे में, जो कॉन्फिडेंस था ना, जो उसका भोला चेहरा था, देखो शक्ल देखो इसकी कितना भोला है। गाड़ी ले जाते वक्त बंदा बोलता है कि आप जो एड्रेस दोगे वहां पे ड्रॉप कर देंगे, बंदा आएगा, क्योंकि ऐसा होता है, मैंने इसके पहले भी किया हुआ है, बहुत बढ़िया लड़का था, सोहित करके लड़का था, उसने सब किया है सेम चीज, हम डिलीवर कर देंगे। तो 5 तारीख का 7 तारीख कर दिया, 7 तारीख को मुझे वो जस्ट एक व्हाट्सएप पे नंबर शेयर करता है, समझ रहे हो, जिसने एक वीक से मुझे कॉन्टेक्ट नहीं किया, वो अभी मुझे एक नंबर शेयर करता है और नंबर शेयर करके ऑडियो मैसेज भेजता है कि आप एक काम करो, यहाँ गाड़ी पहुँच गई है तो आप गाड़ी ले लो। दिमाग मेरा बहुत ख़राब हुआ, मैं गुस्सा आया कि यू नो इसको पकड़ूँ मिलूँ और जो इसको रगड़ूँ मैं, पर ऐसा लगा कि गाड़ी आ गई ना, चल ठीक है, फाइनली गाड़ी आ गई, लेट आ गई क्योंकि ट्रांसपोर्ट में थोड़ा बहुत होता है, लेट हो जाता है। मैंने कहा चल कोई नहीं, पहले गाड़ी ले लेता हूँ। बाद में ये बॉम्ब फोड़ता है कि आपकी गाड़ी डिलीवर नहीं होगी, आपको जाना पड़ेगा, और कहाँ जाना पड़ेगा,
आपको जाना पड़ेगा असलाली, जो यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर है मतलब पूरा अहमदाबाद के बाहर, लाइक हेल क्रेजी, लाइक छोड़ यार 100 किलोमीटर चले जाएंगे, अपनी गाड़ी है लेके आएंगे, कोई बात नहीं। जब मैं वहां पे गया तो मुझे उस बंदे से मालूम चला, वो जो डिसेंट था, कि इसको उसने एज अ पैकेज दिया हुआ था कि तू गाड़ी उठा ले यहाँ से। इसका बीच में कुछ कमीशन था, गति से गाड़ी नहीं आई थी, किसी और लोकल कोरियर से गाड़ी आई थी। होता क्या है, उन लोगों को डिलीवर करने वाले को पैसा देना होता है अगर डिलीवरी करनी होती है घर पे, जो हम जो पैसे देते हैं उसमें इंक्लूडेड होता है। अगर आपने 7,000 दिया है तो उसमें पिकअप ड्रॉप सब इंक्लूडेड है, इवन आपका कोरियर जो पैकिंग करते हैं वो भी इंक्लूडेड है। तो इसने ना तो पैकिंग ढंग से किया, ना ड्रॉप मुझे करवाया। तो थर्ड जो चीज है, मैं आपको फाइनली बताता हूँ क्या, वो ये है कि यू शुड बी वेरी केयरफुल कि विच लॉजिस्टिक सर्विस यू आर पिकिंग। आई मीन 2,000-3,000 बचाना ऑब्वियसली सबको बचाने चाहिए, बट उस चक्कर में ऐसे लोगों को मत दे दो जो लोग ये फर्जी काम कर रहे हैं और अच्छी और रेपुटेड कंपनी के नाम पे ये स्कैम कर रहे हैं। अगर मैंने DRS को दिया होता, जिसको मैंने पहले पिक किया था, बंदा बड़ा सही था, सोहित करके हेल्पफुल था, पैकिंग भी अच्छी की थी, वो मुझसे 9,000 लेता, बट मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मैं एक हफ्ता स्ट्रेस में नहीं रहता, मेरा गाड़ी प्रॉपरली पैक होता, लोड होता, डैमेज नहीं होता, और टाइम पे मेरे को ड्रॉप पॉइंट पे मिल भी जाता। तो पैसा बचाओ नो डाउट, बट थर्ड चीज मेरी ध्यान रखना, अच्छे लॉजिस्टिक सर्विस को ही पिक करो, जैसे कि DRS, बड़े भैया, दोनों सेम फैमिली का ही मतलब ब्रांच है, अग्रवाल मूवर्स एंड पैकर्स, ऑलमोस्ट सब सेम है। इसके अलावा मैं और इतना आइडिया नहीं है, और मैं भी सच कहूं तो विश्वास भी नहीं करता, डिलीवरी पोर्टर ये सब चीजें टू व्हीलर्स नहीं लेती, तो ऑथराइज जगह से लो। जैसे मैंने बोला, गति भी ऑथराइज ही था, बट जो मैंने फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट बताया आपको, उस पर भी आप थोड़ा ध्यान दो, जैसे कि उनके ऑथराइज ब्रांच में जाओ और पता करो कि साले ये कौन है एग्जैक्टली, यू नो, आलस मत करो, उनके यहाँ जाओ, चेक करो। दूसरा मैंने ऐसे बताया, फर्स्ट पॉइंट, बिल जब वो फोन में फटाफट बना के देता है तो उस वक्त उसका GST नंबर देखो, डिटेल्स देखो सारी उसके इनवॉइस में। और एक लास्ट में आपको टिप देता हूँ, बहुत ही हेल्पफुल टिप देता हूँ, जिससे आपको यू नो क्लैरिटी आ जाएगी कि ये बंदे हरामी हैं या बढ़िया हैं। ये सारे के सारे गुड़गांव NCR वाले लोग हैं, ठीक है प्यार से बात करेंगे, बट ये सबसे बड़े हरामी हैं, बिकॉज मैं भी पंजाबी हूँ, यू नो मैं स्टिल बोल रहा हूँ, ये ट्रांसपोर्ट वाली जो लाइन है ना, इंडिया में वो सिस्टम नहीं है फॉरेन वाला कि गाड़ी में GPS लगे हुए हैं, ट्रैकिंग हो रहा है ऑल ओवर इंडिया, ये सब साले यू नो ट्रांसपोर्ट में कोई भी सामान ठूस रहे हैं, दुनिया भर का सामान ठूस रहे हैं, जगह जगह गाड़ी रुक रही है, आपके सामान निकालते वक्त गाड़ी में आपकी टचिंग हो रही है। तो ये इंडिया में ट्रांसपोर्ट सिस्टम में विश्वास करने वाला कुछ नहीं है, ये रिस्क वाला ही काम है। तो जो मैं आपको टिप दे रहा हूँ ना, वो ये है कि जब आप बुक किसी को बुलाते हो ना, तो उससे पूछो कि आपने रिसेंट किस किस जगह पे कौन कौन से आइटम्स बुक करवाए, समझ रहे हो, तो उसके पास फोटोज होंगे, उसने जो रिसेंटली जो भी कोरियर्स पैक किए होंगे ना, उसके फोटोज होंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा जब वो दिखाएगा। वो अगर आपको लगातार दिखा रहा है, 4-5 बुकिंग दिखा रहा है पिछले एक वीक की, दैट मीन्स कि रेगुलर वन के यहाँ पे काम हो रहा है, दे आर जेन्युइन पार्टी। यू कैन चेक दी फोटोज, यू कैन चेक दी कस्टमर, उनका घर या कस्टमर के पैकेजेस, तो आपको समझ आ जाएगा। उसके पास सिर्फ 3-4 ही फोटो है शेयर करने के लिए, दिखाने के लिए आपको, दैट मीन्स कि भाई इतना काम नहीं है उसके पास। तो ये भी आप देख सकते हो, इट्स जस्ट लाइक हम लोग कस्टमर रिव्यूज देखते हैं, यहाँ पे हम लोग कस्टमर के, तो यहाँ पे आप उनके प्रीवियस पैकेजेस को देख के भी पता लगा सकते हो कि ये लोग कितने एक्सपर्टीज हैं और कितने जेन्युइन हैं। या गाइस, सो दैट्स इट, इफ यू आर शिफ्टिंग योर एनी सॉर्ट ऑफ 2-व्हीलर और 4-व्हीलर, मेक श्योर ये सब चीजें आप ध्यान रखो। दैट्स ऑल गाइस, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।